अमिताभ बच्चन, जिन्हें सदी का महानायक कहा जाता है, उनकी अदाकारी और डायलॉग्स के दीवाने हर जनरेशन के लोग हैं। बहुत कम ही ऐसे अदाकार होते हैं जो अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ पाते हैं और हर जनरेशन में प्रसिद्ध हो पाते हैं। अमिताभ बच्चन का जितना भारी भरकम नाम है, ठीक वैसी ही उनकी पर्सनालिटी भी है, और कॉमेडियन उनकी एक्टिंग करके और डायलॉग्स बोलकर पेट पालते हैं। तो कईयों को अमिताभ की नकल ने इंडस्ट्री में पहचान दिलाई है। अभिषेक बच्चन उनके बेटे हैं। हालांकि अभिषेक ने अपने पिता की तरह नाम तो नहीं कमाया, लेकिन अभी हाल ही में बहुत सारी वेब सीरीज में उनकी एक्टिंग को सराहा जा रहा है। अभिषेक बच्चन की अगली घूमर आने वाली है, और जैसा कि आप जानते हैं, फिल्म के प्रमोशन के लिए एक्टर्स बहुत से कॉमेडी शोज में जाते हैं। कपिल शर्मा शो में भी अभिनेता अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए जाते हैं। अभिषेक बच्चन एक अपकमिंग कॉमेडी शो केस तो बनता है में गए थे, जिसका नया प्रोमो आया हुआ है। इस प्रोमो के आते ही ये शो चर्चा में आ गया है, क्योंकि इस प्रोमो में अभिषेक बच्चन गुस्से में शो को बीच में छोड़कर जाते दिखाई देते हैं। दरअसल बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अपने पेरेंट्स के बहुत करीब हैं। वो उनके खिलाफ कुछ भी नेगेटिव सुनते हैं तो काफी बुरा मानते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ शो केस तो बनता है में, जहां वो गेस्ट बनकर पहुंचे थे, मगर कॉमेडी के बीच पिता को घसीटना उन्हें पसंद नहीं आया। नाराज होकर अभिषेक ने बीच शो से वॉकआउट कर लिया। कॉमेडियन परितोष त्रिपाठी के सामने अभिषेक ने अपनी नाराजगी जाहिर की और बीच शो में कहा, ये काफी ज्यादा हो गया है, मुझे गेम में इन्वॉल्व करें, लेकिन पेरेंट्स को बीच में लाना सही नहीं है, मेरे तक रखिए, पिता को क्यों लाना, अच्छा नहीं लगता, वो मेरे पिता हैं, मैं उन्हें लेकर थोड़ा सेंसिटिव, थोड़ी बहुत इज्जत देनी चाहिए हम लोगों को, कॉमेडी की आड़ में इतना सब नहीं करना चाहिए। आजकल क्या है ना, हम लोग बह जाते हैं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। इतना बोलने के बाद अभिषेक बच्चन वहां से उठकर चले जाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इस प्रोमो के वायरल होने के बाद लोग इसे प्रैंक भी बोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार रियलिटी शोज में प्रैंक हो चुके हैं। कपिल शर्मा शो में भी एक बार अमिताभ बच्चन तो दूसरी बार शाहरुख खान प्रैंक कर चुके हैं। इतना ही नहीं, यूजर्स ने तो अभिषेक बच्चन को ट्रोल भी करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि ये अपने पिता की नकल करना चाहते हैं, जो अमिताभ बच्चन ने कपिल शर्मा शो में किया था। वैसे अभिषेक का यूं नाराज होकर प्रैंक करना या फिर सच में उनका गुस्सा हो जाना, इनमें से क्या सच है और क्या गलत, ये जल्द ही आपको मालूम चल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।